सब्सक्राइब करें BK24 को और दबाएं इस बेल आइकन को लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाएं। तो नमस्कार दोस्तों, BK24 में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैंने ले रखा है जैन धर्म के क्वेश्चंस। जैन धर्म, इससे पहले मैंने बौद्ध धर्म की बात कर रखी थी, इस बार जैन धर्म की है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं बार बार। अगर आप ये याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इतने क्वेश्चन हैं कि सफिशियंट हैं आपके लिए। ठीक है, फिर भी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो और भी वीडियोस हैं VK24 में, आप डायरेक्ट जाके वहाँ पर डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें वीडियो पे, और बताएं मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं अपने पहली स्लाइड को। ठीक है, तो चलिए, ये है हमारी पहली स्लाइड और हमारा है पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो आप पेपर और पेन ले लें और इसको नोट करते चलें। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वो थे ऋषभदेव या आदिनाथ। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर कौन थे। तो प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ। ठीक है, अगली स्लाइड हम लेंगे। हमारी अगली स्लाइड है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, ये महावीर स्वामी को ये श्रेय जाता है कि इन्होंने जो है जैन धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने जैन शिक्षाओं का विस्तार किया और इस धर्म को जो है जैन धर्म का नाम दिया। ठीक, तो हालांकि ये लास्ट तीर्थकर थे, यानी कि 24वें तीर्थकर थे, लेकिन इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला हम लेंगे क्वेश्चन, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जो था वो था जमाली पुत्र। ठीक है, अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं कि त्रिरत्न कौन कौन से हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। तो त्रिरत्न जैन धर्म में सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और सम्यक चरित्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंच महाव्रत में कौन कौन आते हैं। तो पंच महाव्रत में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्ते और अपरिग्रह आते हैं। आप इसको नोट करते चलें, बहुत ज़्यादा आपके काम की चीज़ होगी ये। अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, प्रथम जैन संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई। तो प्रथम जैन संगीति जो है वो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में हमारा क्वेश्चन है, जैन साहित्य किस भाषा में मिलते हैं। तो जैन साहित्य को जो है अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे, जैन धर्म की कौन सी दो शाखाएं हैं। तो जैन धर्म को दो भागों में विभाजित हुआ है, तो श्वेतांबर और दिगंबर। अगर आपने जैन लोगों को देखा होगा तो कुछ जो उसमें जो उनके गुरु रहते हैं, साधु रहते हैं, तो देखिए वो नगन अवस्था में हो गए, तो नगन अवस्था दिगंबर में आ जाती है, और जो जैन दूसरे होते हैं जिनमें श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वो श्वेतांबर में आते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड लेते हैं। हमारी अगली स्लाइड है, श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक स्थूलभद्र को माना जाता है। ठीक है, अगला इसी तरीके से है, दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक कौन है। तो दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक भद्रभाहु को माना जाता है। ठीक है, अगली स्लाइड, भद्रभाहु ने किसकी रचना की थी। तो भद्रभाहु ने कल्प सूत्र की रचना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये एसएससी में भी पूछा गया था, 2000 जो है 10+2 में आया था ये। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, महावीर का जन्म किस गोत्र में हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, तो ये था ज्ञातृक नामक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ठीक है, ज्ञातृक नामक क्षत्रिय गोत्र होगा, ज्ञातृक लिखा है, त्रिक होगा। ठीक है, त्रिक नामक क्षत्रिय गोत्र में हुआ है। अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था। तो जैन धर्म का जो संस्थापक है वो महावीर स्वामी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के संस्थापक हैं।
ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। आप इसको नोट कर लें और इसको याद करते हुए आप अगली वीडियो मेरी देख सकेंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ महावीर स्वामी के माता तथा पिता का नाम था। तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। ये भी एग्जाम में आया क्वेश्चन है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो जैन साहित्य को अंग कहा जाता है, ठीक है। ये भी एसएससी में आया हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई, तो महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसमें मैं जो भी बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन है इसमें, वो मैंने कई एग्जाम्स में देखे हैं कि क्वेश्चन आए हैं। करीब 17-18 एग्जाम जो मैंने एनालाइज कर रखे हैं, उन एग्जामों से मैंने ये क्वेश्चन ले रखे हैं और मैं देखता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वही क्वेश्चन मैंने इसमें बनाए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट हैं, अगर आपने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को डिटेल में पढ़ा है तो भी ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है। अगली स्लाइड हम ले रहे हैं अपनी, हमारी अगली स्लाइड है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, ठीक है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, तो इसका आंसर है श्रवण बेलगोला में, ठीक है। ये नाम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगली स्लाइड की तरफ चल रहा हूँ मैं। अगली स्लाइड है हमारा महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। तो ये मैंने आपको पहले भी जब मैं बता रहा था डिटेल में, तो उस वक्त मैंने बोला था कि वो 24वें तीर्थकर थे, ठीक है, महावीर स्वामी। उसके बाद है हमारा जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, तो जैन धर्म में 24वें तीर्थकर हुए जो कि महावीर स्वामी अंतिम थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे जैन धर्म से, ठीक है, आप इनको याद कर लें। ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, एक कुछ क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपने ये याद कर लिए तो इससे बाहर का एग्ज़ाम में जो है नॉर्मली आपके लिए टफ नहीं होगा, इस जैन और बौद्ध धर्म से अगर क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक है। तो आप देख लें इन क्वेश्चनों को, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट है तो आप दोबारा जो है वीडियो देखें, मुझे बताएं कमेंट करके, ठीक है। और आप बौद्ध धर्म के क्वेश्चंस देख सकते हैं, वैदिक काल से मैंने बनाए हैं, जो कि क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आपने ये सब देख लिया जो वीडियोज़ मैंने पहले बनाई हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।